दोस्तों अगर बात करें लग्जरी 4x4 ऑफ रोड व्हीकल की तो जी वैगन का नाम सबसे पहले आता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। सबसे पहले इसको 1979 के अंदर डेब्यू किया गया था और तब से लेके अब तक ये बेंचमार्क बन चुकी है अपने 4x4 लाइफस्टाइल ऑफ रोड व्हीकल के अंदर। और यहाँ पर आज मैं हूँ भारत मोबिलिटी शो के अंदर, जहाँ पर मर्सिडीज़ का जी वैगन यानी कि इसका एक कंसेप्ट मॉडल जो कि इलेक्ट्रिक के अंदर आने वाला है, EQG नाम से उसका कंसेप्ट मॉडल यहां पर दिखाया गया है और मेरे पीछे वही है इसका कंसेप्ट मॉडल। यहां पर आप इसका लुक देख सकते हैं और लोगों को ये पसंद इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉल है। जो पिलर्स रखे गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉल है और फ्लैट जो रूफ लाइन है वो यहाँ पर रखी गई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके लुक्स के बारे में ना, तो यहाँ पर अभी आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं और ये कंसेप्ट मॉडल है और मर्सिडीज़ का ऐसा कहना है कि ये क्लोज टू प्रोडक्शन मॉडल है, यानी कि 90% के आसपास आपको ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक वर्जन है जी वैगन का वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले आइए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। अगर आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो है इसके हेडलैम्प्स। राउंड हेडलैम्प्स यहाँ पर रखे गए हैं और इसके सर्कुलर हेडलैम्प्स के साथ में, यानी कि वही लेगेसी जो है वो आगे भी फॉरवर्ड की जा रही है, यानी कि जो जी वैगन लोगों को पसंद आती है उसी को रिसेम्बलेंस करते हुए यहाँ पर सर्कुलर हेडलैम्प्स रखे गए हैं। DRLs यहाँ पर दिए गए हैं, बाई फंक्शनल जो हेडलैम्प्स हैं प्रोजेक्टर के साथ में वो यहाँ पर दिखाए गए हैं और फ्रंट अगर आप देखेंगे तो इल्यूमिनेटेड फॉक्स जो ग्रिल है वो यहाँ पर रखी गई है और जो लोगो है वो आपको पूरा ग्लो होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये जो पूरा पार्ट है वो आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे की साइड में देखेंगे तो बम्पर आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड बोनेट के ऊपर यहाँ पर आपको जो माउंटेड मिलता है वो सेम चीज़ यहाँ पर भी आगे फॉरवर्ड की गई है। फ्रंट अगर आप देखेंगे बोनेट तो वो ऑल ग्लॉस फिनिश के अंदर है, मर्सिडीज़ का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड जो इसकी विंड स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल और काफ़ी ज़्यादा रैक्ड रखी गई है। एंड अगर आप इसके देखेंगे वाइपर्स तो वो आपको रेगुलर वाइपर्स नहीं है, वो आपको जो एनहांस्ड वाइपर्स हैं यानी कि एरोटोइन वाइपर्स वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। साथ ही फ्रंट के अंदर हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है। अभी मर्सिडीज़ की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर अडास आने वाला है या नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो कंसेप्ट मॉडल है वही सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। एंड अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर हमें इल्यूमिनेटेड सॉर्ट ऑफ जो आप कह सकते हैं एक स्ट्राइप देखने के लिए मिल जाती है। अभी आगे देखना होगा कि जब इसका ये कंसेप्ट मॉडल है जब ये प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा तो सेम चीज़ हमें मिलती है नहीं, वो सेम चीज़ बागे आगे कंफर्मेशन मिलेगी। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके अलॉयज़ तो 285 नॉट 45 R21 इंचज़ के जो अलॉयज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टायर साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अलग ही लुक यहाँ पर दिखाया गया है। एंड मर्सिडीज़ का ऐसा कहना है कि ये वाले जो फ्रंट वाले टायर्स हैं ये अलग रोटेशन में घूम सकते हैं एंड जो रियर वाले जो टायर्स हैं वो एक अलग रोटेशन में घूम सकते हैं जो कि पूरा एक जी को फॉर्म करेंगे, वो मैं आपको आगे जो यहाँ पर फिल्म चल रही है उसके अंदर दिखाऊंगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओल्ड स्कूल टाइप ही जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और सेम जो लेगेसी है वो यहाँ पर अभी भी बरकरार रखी गई है। इस साइड अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर पाएंगे। एंड अगर आप मूव ऑन करें इसके रियर पार्ट की तरफ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पूरा ही आपको फ्लैट ऊपर की साइड में रूफ लाइन मिल जाती है, यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये चार्जर के लिए एक स्पेस यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये पूरा इल्यूमिनेटेड मिल जाता है, मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पर मिलता है। ओल्ड स्कूल टाइप ही जो हैंडल्स है वो अभी भी यहाँ पर रखे गए हैं। इस साइड आपको LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिलता है, कंसेप्ट EQG की बैजिंग यहाँ पर दिखाई गई है, सेम टेल लैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड ओल्ड स्कूल टाइप ही यहाँ पर जो हिंजेस है ना वो अभी भी डोर्स के लिए रखे गए हैं, यानी कि मर्सिडीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता, जो जी वैगन के फैंस हैं उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता, इसीलिए उसी टाइप की जो काफ़ी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं और हमें इलेक्ट्रिक EQG के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर को ड्राइवर साइड का डोर पैनल देख सकते हैं, अंदर से पूरा यहाँ पर आइवरी शेड के अंदर रखा गया है और यहाँ पर आपको जो है कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के लिए। अब ये इंटरनेशनल मॉडल के हिसाब से इसका कंसेप्ट मॉडल बनाया गया है तो इसलिए यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इंडिया के अंदर ऑब्वियसली वो राइट हैंड साइड पर रहेगा। जो यहाँ पर कंट्रोल्स पैनल आप देख रहे हैं वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ग्लॉस फिनिश के अंदर आपको पूरा यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया है। ये मेमोरी सीट फंक्शन है, हीटिंग कूलिंग फंक्शन, लॉक अनलॉक सब यहाँ पर मिलता है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है और यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल खोलने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दी गई है और ये पूरा आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक सॉफ्ट टच के अंदर अवेलेबल किया गया है। एंड जैसे आप मूव ऑन करते हैं ना अंदर की साइड पर तो आपको
इतना ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी फील होगा ना कि आपको और किसी कार के अंदर फील नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली आप पैसे भी उसी हिसाब से स्पेंड कर रहे हो। तो मर्सिडीज़ ने उस हिसाब से पूरा यहाँ पर जो है इसको फिट एंड फिनिश दिया गया है। इस साइड पर आपको सर्कुलर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको कंबाइंड ही इसका टच स्क्रीन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लस्टर मीटर पूरा कंबाइन किया गया है और पूरा फुली डिजिटल है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो डीकट स्टाइल के अंदर इसका स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको सैटिन फिनिश मिलता है, पूरा वाइट कलर के अंदर है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर दी क्लस्टर मीटर एंड यहाँ पर आपको इसके टच स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, उस साइड पर आपको गियर्स लगाने के लिए आपको लीवर ऑफर किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर आपको 4x4 के पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है और यहाँ पर कुछ बटन्स हैं। इस साइड पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इसके टच स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पर मिलता है जिसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जा रहा है। ऊपर की साइड में आपको सनरूफ मिल जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर्स मिलता है सनशीट्स के ऊपर और यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इसकी सनरूफ को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप सीट्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश यहाँ पर रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा सी शेप के अंदर है और यहाँ पर एडजस्टेबल ही एड्रेस्ट आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे इसके रियर सीट की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलता है बाव विंडो के लिए, ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको अगेन जो है हीटेड फंक्शन वो अवेलेबल मिल जाता है फॉर दी रियर सीट्स ऑल्सो। यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए डोर हैंडल मिलता है, स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मिलती है और यहाँ जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसा लुक आएगा रियर सीट्स का और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ब्लोअर यूनिट को के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेस रियर सीट्स पॉकेट के पीछे और कुछ ऐसा आपको लुक मिलने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका लुक कैसा लगा। साथ ही रियर में आपको स्पीकर्स एक वहाँ पर मिल रहा है, एक वहाँ पर मिल जाता है, रूफ़ में आपको लाइट वहाँ पर भी मिल जाती है, इस साइड पर भी मिल जाती है, तो लग्जरी की तो बिल्कुल भी कमी यहाँ पर नहीं रखी गई है। सो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको इलेक्ट्रिक EQG कैसी लगी और अगर आप जी वैगन के फ़ैन हैं तो क्या आप इलेक्ट्रिक EQG लेना चाहेंगे या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।